वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। उम्मीद करते सारे लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आईसीआर की टेक्नीशियन की पोस्ट आई थी कुछ दिन पहले, शायद आप सभी बच्चे जानते हैं आईसीआर ने अपने टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली थी 600+ कुछ वैकेंसी थी। तो बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाओ, क्या बीएससी एग्री के बाद इन पोस्ट के लिए जाना सही है या नहीं। तो जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें। जिस बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया, आई थिंक वो आरएमएससी में इनरोल है, क्योंकि उसने 3-4 बार मेरे को बोला कि वीडियो प्रोवाइड करवाओ, मैं कंफ्यूज हूँ। तो सबसे पहले एमएससी का आप छोड़ो, बीएससी एग्री पे अगर आप हो तो आप 6 साल पीछे जा रहे हो, क्योंकि 10th बेस की जॉब है, परमानेंट बेसिस पे भी नहीं है, टेम्पोरेरी बेसिस की जॉब है। तो मेन 2 फैक्टर हैं जिससे मैं आपको ये कहूंगा कि इस जॉब के लिए आप अप्लाई मत करो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है ऑल इंडिया में, जितने भी 10th पास के बच्चे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है। और अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगे कि छोटा सा एग्जाम मुझसे क्लियर नहीं हुआ। और इसमें आपका कोई मतलब ये भी नहीं है कि ये चीज आपको जज करेगी, क्योंकि जो सिलेबस है आई थिंक जीके, मैथमेटिक्स और 2 सब्जेक्ट और हैं और नेगेटिव मार्किंग भी। और ये भी जरूरी नहीं है जो इंस्टीट्यूट है वो आपको नियर बाई मिले, क्या पता कोई नॉर्थ का बच्चा उसको साउथ में पोस्ट कर दिया जाए। तो बाद में आपको सिर्फ 30% टाइम मिलेगा अगर आप अभी से जॉब में चले गए और इस टाइप की जॉब में जहाँ पे 10 साल बाद आप क्लर्क बनोगे और 6 साल पीछे जा रहे हो, तो 15 से 16 साल का लॉस आप खुद कर रहे हो। इससे बेटर मैं ये सजेस्ट करूंगा आपके पास, अगर अब की बार आईबीपीएस का एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप 1 साल है पूरा इसमें अपने अच्छी से तैयारी कीजिए। इसके बीच अगर कोई भी आपकी स्टेट की जॉब आती है उसके लिए प्रिपेयर करो, इस पोस्ट के लिए जाना थोड़ा सा गलत है। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से जरूर गाइडेंस लें, क्योंकि उनसे ज्यादा बेटर आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई मत करो, क्योंकि फीस दोगे उसके बाद ट्रैवलिंग का खर्चा और सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि एग्री वाले बच्चे आई थिंक प्राइवेट में 20 से 25 हजार रुपए स्टार्टिंग इनिशियल पैकेज उनका होता है। तो छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अगर किसी बच्चे को अब भी लगता है तो वो डेफिनेटली एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो सब पे अप्लाई होता है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, लेकिन मैं यही कहूंगा अपने स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करो अगर आपको अर्जेंट जॉब चाहिए, क्योंकि वहां पे आप अगर अपने स्टेट में रह के दूसरे एग्जाम की तैयारी करते तो थोड़ा सा बेटर फील होता है, एनवायरमेंट भी आपको ज्यादा सुटेबल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है सब पे अप्लाई हो, तो मैंने बोल दिया ऐसा नहीं है कि सभी लोग अप्लाई ना करो, अगर किसी पे अप्लाई कर दिया तो वो तैयारी करे, एग्जाम दे। धन्यवाद।